ETC World, a desire to connect the world. आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने भरपूर प्यार दिया हमारे चैनल को। तो आज लगभग जो है 550 से ऊपर सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं, जबकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो हम लोग जो है ग्रामर के चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ग्रामर के चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे एडजेक्टिव्स का। तो एडजेक्टिव्स क्या है, एडजेक्टिव्स का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और इसका लेवल जो है बेसिक टू एडवांस रहेगा, मतलब आपको शुरू से लेकर हम एडवांस लेवल तक एडजेक्टिव्स पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। हमको उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास बढ़िया लगेगा। तो एडजेक्टिव सबसे पहले देखते हैं कि आखिर एडजेक्टिव्स क्या है। हम जब भी शुरुआत करते हैं तो आप सुने होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर क्या था, हम थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करना चाहेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम लोग जितने भी वर्ड्स देखते हैं, ये वर्ड्स देखते हैं, इनके ये भेद हैं, ये टाइप्स हैं, ये इनके टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, पहला हम देखे नाउन्स, इसी तरह से प्रोनाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इस तरह से इनके ये सारे भेद हैं। तो उनमें से ये जो पार्ट है ये एडजेक्टिव्स है, अर्थात शब्द का एडजेक्टिव्स एक भाग है। अगर हम शब्द को तोड़ते हैं तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द आते हैं, जितने भी शब्द लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं, अगर हम इंग्लिश वर्ड्स को लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी समूह में आते हैं, नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इसी तरह से एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। ये हम लोग कहीं कहीं बेसिक क्लासेस में भी ये सब चीज पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हमारा लक्ष्य है एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स में जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, सबको एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन पढ़ना पड़ता है। और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो हमने सोचा कि एडजेक्टिव से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके ETC वर्ल्ड्स में, वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसा ग्रामर का वीडियो है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो हम सोचे टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, हम टेंस का भी रिवीजन एक सेशन रखेंगे, तो ग्रामर से ही हम उचित समझे। तो यहां से हम लोग देखते हैं आगे का क्लास। तो एडजेक्टिव्स का हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे डेफिनेशन क्या है। ये बिना परिभाषा जाने एडजेक्टिव को हम ठीक से समझ नहीं सकते हैं। तो यहां पर देखिए इंट्रोडक्शन, परिचय से शुरुआत करते हैं। Words which are used to qualify nouns or pronouns are called adjectives. अब यहाँ पर nouns और pronouns की चर्चा की गई है। Noun का अर्थ आप जान लीजिए naming words. अब naming words क्या है, वैसे शब्द जिससे नाम का बोध हो, व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, स्थान के नाम हो सकते हैं, वस्तु के नाम हो सकते हैं। फिर pronouns, pronouns क्या है, इस noun के बदले हम जिसका भी प्रयोग करते हैं वो pronouns, ठीक है, ये नेमिंग वर्ड्स है, और इसके बदले हम जिसका प्रयोग करेंगे वो प्रोनाउंस। ये क्या कह रहा है, क्वालिफाई नाउंस और प्रोनाउंस, और इसी शब्द को, मतलब आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, मतलब ये नाउंस और प्रोनाउंस को क्वालिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। यहां भी हिंदी में लिखा हुआ है, वैसे शब्द जिनका प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए, यहां पर हिंदी को ठीक कर लेना है, किया जाए वे विशेषण कहलाते हैं।
एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो नन एज क्वालिफाइंग और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये भी ध्यान रखना है। यहां पर है मीन्स अर्थात एन एडजेक्टिव सेज और डिस्क्राइब्स समथिंग अबाउट नाउन्स और प्रोनाउन्स। अब यहां पर क्या कहता है कि वैसे शब्द जो डिस्क्राइब करे नाउन के बारे में, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर हम चर्चा करें राम इज अ गुड बॉय, यहां पर अगर हम लगा देते हैं कि राम कैसा लड़का है तो गुड बॉय अच्छा लड़का है। ये गुड शब्द जो है ये नाउन की विशेषता बतलाता है, इसको क्वालिफाई करता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह कैसी है, सुंदर है। ये सुंदर कौन है, मतलब वह सुंदर है। यहां पर ये क्या है, ये प्रोनाउन है। उसी प्रकार से अब देखिए आई हैव 10 पेंस, अब देखिए ये संख्या बतलाने वाले भी शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं, हम लोग पहचान भी देखेंगे कि कितने कलम है, 10 कलम है। तो यहां पर हमने क्या देखा, गुड एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, 10 एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, अब यहां से देखते हैं कि एडजेक्टिव्स के कितने प्रकार हैं। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब न्यूमरल एडजेक्टिव्स में भी भेद बने हुए हैं, पहला है डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कार्डिनल और ऑर्डिनल है। उसी तरह से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, ये आपके भेद हैं। तो यहां पर हमने थोड़ा सा इसको ठीक कर लिया है, इसको थोड़ा सा देखा जाए तो पीडीएफ जब आप लोड करेंगे तो हम जहां जहां एरर है उनको आप सुधार लीजिएगा। तो इस प्रकार से काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 टाइप्स, 10 टाइप्स याद रखना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पीछे से रिव्यू लेते हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसको हम लोग बोर्ड पर देख लेते हैं कि हमने अभी क्या सीखा। ध्यान रखना है कि ग्रामर भी एक तरह का मैथ का कार्य करता है। मैथ जिस प्रकार आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं तो मैथ कभी नहीं सीख पाते हैं, उसी प्रकार ग्रामर है। तो हमने क्या सीखा, हमको पॉइंट वाइज करना है, डेफिनेशन सीखा, और डेफिनेशन में शॉर्ट में क्या जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है और क्वालिफाइंग वर्ड्स है, क्वालिफाइंग वर्ड्स है, ये दोनों याद रखना है। तो क्या कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे, मान के चलिए आपको डेफिनेशन याद नहीं है लेकिन ये दो चीज याद रखना है, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और क्वालिफाइंग वर्ड्स। ये भी समझना है कि आप कोई नाउन ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं रिच शब्द ले लिए, ठीक है। अब अगर रिच शब्द के बाद कोई नाउन पुट हो जाए, कोई भी नाउन पुट हो जाए, जैसे हम यहां लिखते हैं राम इज रिच, लेकिन हम लिख सकते हैं राम इज अ रिच बॉय, ये हम लिख सकते हैं। तो रिच के बाद अगर कोई भी नाउन आ जाता है तो नाउन के पहले जो शब्द आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन पुट हो जाए, इसको भी ध्यान रखना है, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव्स प्लस एडजेक्टिव ले लीजिए, एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू नाउन हो जाता है। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और ये नाउन प्लुरल भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। इतने सारे चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर एक वाक्य लिखते हैं, जैसे अभी लिखे थे राम इज अ रिच बॉय, ठीक है, ये यहां पर आपका सिंगुलर। अगर इसको होल लेते हैं तो यहां से यहां तक नाउन का ही बोध होता है,
अलग करेंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये प्लेसिंग एडजेक्टिव का ही है, लेकिन संपूर्ण के बारे में बोलेंगे तो ये पूरा नाउन ही हो जाता है। ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल के रूप में ये प्रयोग किया जा सकता है। हम इसको अगर यूज करेंगे जैसे दे आर रिच बॉयज, मतलब यहां भी हम एडजेक्टिव रखे और यहां पर नाउन आ गया, तो ये नाउन ये पहले लगने वाले सब एडजेक्टिव हो जाएंगे, ये हम यहां बताना चाह रहे थे। तो एक मिनट और इसमें हम और एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि डेफिनेशन समझ में आ गया, प्लेसिंग समझ में आ गया, अब क्या है टाइप्स के रूप में देखेंगे। तो टाइप्स में क्या याद रखना है, ये 10 टाइप्स है एडजेक्टिव्स के, 10 टाइप्स है, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। चलिए पहला चलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स का हिंदी हुआ व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव्स विच आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन से बने हुए विशेषण प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहां पर लेते हैं इंडिया, इंडिया में आई ए एन लगा देते हैं तो इंडियन हो जाता है, तो इंडिया शब्द क्या है, ये प्रॉपर नाउन। तो हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर नाउन को भी देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को समझने के लिए याद रखना है पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यह नाम व्यक्ति के भी हो सकते हैं, पर्संस हो सकते हैं, प्लेस हो सकता है, प्लेसेस इसको बोलिए, और थिंग्स हो सकता है, ठीक है। तो इसको और एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं और इसको देखते हैं एग्जांपल में। जैसे हम लेते हैं अभी तुरंत वहां पर लिखा हुआ था इंडिया, इंडिया क्या है, प्लेस है, मतलब इंडिया कहने से एक ऐसे स्थान का बोध होता है जहां पर हम लोग रहते हैं और एक ही स्थान का बोध होता है यहां पर। अगर इसको हम यदि हम उस शब्द को आई ए एन इसमें लगा देते हैं इस तरह से इंडियन, मतलब सिर्फ एन लग रहा है इसको यहां पर एन शब्द से ही इंडियन, तो ये जो एन शब्द लगता है इसका अर्थ यहां पर होता है इनहैबिटेंट, इसका अर्थ हो जाता है इनहेबिटेंट, मतलब निवासी यानी का निवासी, और ऑफ इंडिया तो यहां पर हो जाता है इंडियन मतलब भारतीय। ये शब्द जो है, ये लगने वाले शब्द इंडियन शब्द जो है आपके प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब लेते हैं जापान। अब जापान में सिर्फ एन से नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन जो है जापानीज, जापानीज, ठीक है। उसी तरह से चाइना, चाइनीज, अमेरिका, अमेरिकन, तो ये जो है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पर हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अफ्रीका अफ्रीकन, चाइना चाइनीज, जापान जापानीज, फ्रांस फ्रेंच, ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। और ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव की अगर चर्चा करते हैं, अगर ये कहीं भी अकेला रहेगा, कहीं भी अकेला रहेगा, तो ये काउंटेबल फॉर्म में नहीं रहता है, ध्यान रखना। अगर इसको काउंटेबल हमको बनाना पड़ता है तो इसके बाद हमको क्या जोड़ना पड़ता है, नाउन जोड़ेंगे तब ये काउंटेबल बनेगा, अकेले काउंटेबल नहीं रहे। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर इसको हम नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो काउंटेबल बना के इस्तेमाल करेंगे,
और काउंटेबल बना के इस्तेमाल करेंगे तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, और इसको एडजेक्टिव रूप में इस्तेमाल करेंगे तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, तब हम नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, अर्थात दोनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, आई एम एन इंडियन इज करेक्ट, मतलब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। इट इज अननेसेसरी टू एड एन बिफोर प्रॉपर नाउन। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड व्हेनेवर देयर इज कंप्लीमेंट्री सेंटेंस सच एज आई एम एन इंडियन बाय बर्थ बट नाउ आई एम एन इंडियन, अमेरिकन हैज गॉट यूएसए सिटीजनशिप। तो इस प्रकार के से सेंटेंस रहेगा तो आपको ध्यान देना है। यहां पर भी एक लाइन हमने कोट किया हुआ है विच इज करेक्ट, ये तो सबको पता है कि अगर हम आर्टिकल के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर एन सही होगा। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एम एन इंडियन यूजिंग इंडियन एज ए नाउन, यहां पर देखिए नाउन के रूप में यूज किया गया है, आई एम एन इंडियन यूजिंग एज एन एडजेक्टिव। तो यहां पर इसको एडजेक्टिव बना के इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहां पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, संबंध सूचक विशेषण। संबंध सूचक विशेषण के रूप में हम क्या देखेंगे, ठीक है, यहां पर संबंध सूचक के रूप में हम देखते हैं माई आवर योर हिज हर इट्स देयर का प्रयोग करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स को जब भी हम समझते हैं किस रूप में समझते हैं, सबसे पहले इधर हम लेंगे सिंगुलर फॉर्म और इधर लेंगे प्लुरल फॉर्म। इसको जो है फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हम क्या रखते हैं, माई, प्लुरल में माई का क्या हो जाएगा आवर, ध्यान रखना है। उसी तरह से सेकेंड पर्सन में योर और प्लुरल में इसका भी योर ही होगा। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन में आपको यहां पर आ जाएगा हिज हर इट्स, और अगर नेम आता है तो नेम ज्यों का त्यों रह जाएगा, और ये सब का प्लुरल अगर इस्तेमाल करेंगे तो दियर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये सारे जो हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब इसका प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न तरह से करते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, देखिए अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, ध्यान रखना है कि अपना अपनी का प्रयोग करते हैं, तो आई के लिए माई, वी के लिए आवर, यू के लिए योर, उसी प्रकार से ही के लिए इस, ती के लिए हर, इट के लिए इट्स, नेम के लिए आपको आवश्यकता अनुसार इज या हर आपको लगाना है। नेम के लिए इज या हर लगाना है, ये आपको आवश्यकता अनुसार देखना है। अगर हम आगे देखते हैं प्लुरल में, जैसे हम इस्तेमाल करेंगे दे का दियर, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। जैसे लेते हैं हम लोग अपने देश में रहते हैं, ये देखिए हम लोग का अंग्रेजी हो गया वी रहते हैं। ट्रांसलेशन जब भी बनाएंगे ध्यान रखना है कि इस क्रम में हम लोग को आना है, इस क्रम में, तो रहते हैं वी ली मे इन अपने देश, यहां पर इसके आधार पर चलेगा वी का क्या यहां पर आ जाएगा आवर कंट्री, ये देखिए ये यहां पर ये एडजेक्टिव है और इसके तुरंत बाद नाउन आया है। नाउन के पहले नाउन को डिस्क्राइब करने वाले, नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द
एडजेक्टिव होते हैं जैसा हमने परिभाषा में देखा। तो हमको उम्मीद है कि आपको पोसेसिव का प्रयोग समझ में आ गया। तो पोसेसिव के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? वितरण वाचक, मतलब एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू शो द ईच वन आर नन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सच एज ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसका प्रयोग हम जहां भी करेंगे, इसका प्रयोग, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे का भाग है डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव का क्या अर्थ होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है जब हम किसी के तरफ संकेत करके, जैसे मान के चले कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये इसको हम मोबाइल मान लेते हैं, और इसको इशारा करते हुए हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे देखिए, एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू डिमोन्स्ट्रेट एनीथिंग आर नॉन एज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैव टू काइंड्स, डेफिनेट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे डेफिनेट में आ जाएगा, निश्चित या निश्चितता सूचक आ जाएगा, दिस दैट दीज दोज सच सैम। उसी तरह से इनडेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आ जाएगा एनी, सम, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, एटसेट्रा। आगे देखते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स, संख्यावाचक। एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू शो द नंबर्स आर नॉन एज न्यूमरल एडजेक्टिव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इट इज ऑल्सो टू टाइप्स। और दूसरा है डेफिनिट में ध्यान रखना है, इसका दूसरा है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, लेकिन डेफिनिट के दो भेद हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। यहां पर निश्चित संख्या का बोध कराने वाले सब, यानी शोज द नॉर्मल काउंटिंग नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 जो बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स है, और ऑर्डिनल क्रम बताने वाले, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इत्यादि। और इंडिफिनिट में हम यहां पर देख ही चुके हैं, मेनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, सम, एनफ, सफिशियंट, एटसेट्रा। आगे है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो यहां पर ये क्या दिखाता है? क्वांटिटी दिखाता है, मात्रा दिखाता है, परिमाण दिखाता है। एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू शो द क्वांटिटी आर नॉन एज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स सच एज much, little, whole, some, enough, sufficient, all, no, none, most, etc. ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आगे है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या है? जब हम किसी चीज पर जोर देते हैं, बल देते हैं, तो एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू शो द एम्फेटिक पॉइंट आर नन एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अब इम्फेक्ट करने के लिए, बल देने के लिए कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? यहां पर देखिए, ऑन, माई ऑन, इट इज माई ऑन बुक। उसी तरह से वेरी का भी प्रयोग करते हैं, दिस इज द वेरी हाउस वेयर आई यूज टू लीव, या वही घर है जहां मैं रहा करता। आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एम्फेसाइजिंग के लिए। यह मेरी अपनी किताब है, This is my, this is my own book। ये देखिए यहां पर own book। She is your own sister। वह तुम्हारी अपनी बहन है। वे सब उनके अपने बगीचे हैं। Those are their own gardens। मैं तुम्हारा अपना भाई हूं, इस पर बल पड़ रहा है। I am your own brother। यह वही किताब है, दिस इज द सेम बुक। यह वही घर है, दिस इज द सेम हाउस। राम वही लड़का है, इसको यहां पर ठीक कर लेना है, राम इज द सेम बॉय। सीता वही लड़की है, सीता इज द सेम गर्ल। यह वही महल है, दिस इज द सेम पैलेस। यह वही गांव है, दिस इज द सेम विलेज। यह वही शहर है, दिस इज द सेम टाउन और सिटी। इसको हम करेक्शन करके आपका पीडीएफ में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन से आप लोड कर सकते हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पीडीएफ बना करके नोट्स बना के रख सकते हैं। यहां से हम करेक्शन कर देंगे, टाइपिंग मिस्टेक यहां पर हुआ है, फॉन्ट मिस्टेक है,
चलिए यहां से देखते हैं अब स्मरणीय तत्व में क्या है। वी कैन यूज द वेरी इंस्टेड ऑफ द सैम, यानी द सैम के लिए हम द वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। बोथ हैव द सैम मीनिंग, दोनों का अर्थ सैम है। जैसे दिस इज द वेरी बुक की जगह दिस इज द वेरी हाउस, राम इज द वेरी बॉय, क्या अर्थ हुआ? दिस इज द वेरी बॉय वेरी बुक, यह वही किताब है। दिस इज द वेरी हाउस, यह वही घर है। राम इज द वेरी बॉय, राम वही लड़का है। यहां पर इस पर भी जोर लग रहा है, यहां पर ध्यान देना है। द अबव वर्ड्स आर यूज्ड विद क्लॉजेस, इसका प्रयोग क्लॉज के साथ आता है। जिस द सैम या द वेरी, इसके बाद हु का प्रयोग आता है, हुम का प्रयोग आता है, हुज, वेयर इत्यादि का प्रयोग करके हम द वेरी या द सैम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, यह वही घर है जहां मैं रहती हूं। दिस इज द सेम हाउस वेयर आई लिव, यहां पर बोल सकते हैं दिस इज द वेरी हाउस वेयर आई लिव, एक ही चीज है। यह वही किताब है जिसे मैं खोज रहा था, इसको ठीक कर लेना है। दिस इज द सेम बुक विच आई वॉज सर्चिंग फॉर, हमको उम्मीद है कि एम्फेसाइजिंग आप समझ गए। और इसका ट्रांसलेशन ध्यान रखना है कि आपका ये चैप्टर जैसे ही एंड करेंगे आपका लाइव सेशन आएगा, आप लोग कमेंट करके दोपहर का एक समय बताएंगे। हम आपको 1 से 3 के बीच में समय देना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लाइव क्लासेस के लिए, लाइव क्लासेस में जो हम पढ़ा चुके हैं उसी पर हम आपको लाइव में बनाने देंगे, क्वेश्चन पूछने देंगे और वहां पर सारा सॉल्यूशन आपको करना है। हम प्रश्न बना के रखेंगे, आपको सॉल्व करना है। मतलब इसी चीज को हम सेम टू सेम रिविजन करेंगे, या वहां पर कोई डिमांडेड चैप्टर भी हम आपको पढ़ाएंगे रनिंग में, और शाम वाला जो सेशन आएगा वहां पर आपका प्रीमियर क्लासेस हो, ठीक है। तो यहां पर हमने एम्फेसाइजिंग देख लिया, अब है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या है कि सम इंटेरोगेटिव वर्ड्स आर यूज्ड एट एडजेक्टिव्स विच आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, विच बुक इज, यानी विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। ये देखिए विच का प्रयोग नाउन के पहले किया गया है, यहां पर ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन इक्वल टू इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ध्यान रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द है, उसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हो रहा है तो वह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादी बोधक विशेषण। व्हेन सम वर्ड्स आर यूज्ड एट शोइंग द सडन फीलिंग ऑफ इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, कर्स, सरप्राइज एटसेट्रा आर नोन एज एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स, सच एज व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज। ये देखिए इसका प्रयोग किए विस्मय सूचक के लिए हमने यहां पर किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी वॉज। यहां पर भी व्हाट और ये व्हाट लगा है, ये आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स है। अब है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वालिटी दिखलाने के लिए। वर्ड्स विच आर यूज टू क्वालिफाई द क्वालिटी, गुण, साइज, कलर्स, मतलब यहां आकार प्रकार दिखलाने वाले शब्द आ गया, रंग दिखलाने वाले शब्द आ जाएंगे, गुण दिखलाने वाले शब्द आ जाएंगे, डिमेरिट्स दिखलाने वाले शब्द आ जाएंगे, और द स्टेट ऑफ एनीथिंग और उसकी अवस्था दिखलाने वाले शब्द आ जाएंगे आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, सच एज ब्यूटीफुल, टॉल, शॉर्ट, फैट, नैरो, सैड, हिल एटसेट्रा। ये आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। हम लोग इसमें एडजेक्टिव के सारे भेदों को छोटे रूप में देखा, क्योंकि हमारा लक्ष्य इसमें है कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ग्रामर का पार्ट्स उसमें आ जाएगा, उसमें हम लोग देखेंगे आगे। यहां पर कुछ ट्रिक्स देखते हैं, क्या ट्रिक्स है, सम ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आखिर भेद जान गए, फिर भी हमको लगता है कि भेद हम भूल रहे हैं, समझ में बहुत चीज नहीं आया, क्या ऐसा ट्रिक्स हो सकता है जिसके कारण हम एडजेक्टिव्स को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। पहला यहां पर पहचान देखिए, वर्ड शोइंग मेरिट्स और डिमेरिट्स, अगर वो गुण दोष प्रकट कर रहा है और वाक्य में नाउन को बोध करा सकता है, नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, तो सारे शब्द आपके एडजेक्टिव्स हो जाएं, जैसे सुन, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट,
टैलेंटेड, फेयर कम्प्लेक्सेंट, डार्क कम्प्लेक्सेंट, क्लेवर, शाय, स्लाय एटसेट्रा। ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे यहां पर दिखला रहा है, मेरिट्स और डिमेरिट्स। वर शोइंग द स्टेट ऑफ एनीथिंग, अवस्था सूचक, जैसे इल, हैप्पी, ग्लैड, प्लीज्ड, सॉरी, टेंस्ड, एंग्सस, वरीड, डिसप्लीज्ड एटसेट्रा। वर शोइंग द कलर्स, रंग रूप दिखलाने वाले शब्द, इसमें अवस्था दिखला रहे थे और इसमें रंग रूप दिखलाने वाले, ग्रीन, रेड, व्हाइट, ब्लैक एटसेट्रा। वर शोइंग शेप्स एंड साइजेस, आकार प्रकार दिखलाने वाले शब्द, नैरो, शॉर्ट, स्मॉल, वाइड, लॉन्ग, फैट, टॉल एटसेट्रा। वर शोइंग द नंबर्स, संख्या दिखलाने वाले शब्द, 1, 2, 3, 4, 5, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा। वर्ड्स एंडिंग विथ ओ यू एस, फुल, ए एल, आई ए एल, बी एल ई, आई बी एल ई एटसेट्रा, ये सब एंड करने वाले, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये सब फिक्सेस हैं, इनसे जो भी शब्द एंड करेंगे, जैसे देखिए गॉर्जस, जेंडरस, लिबरल, यहां पर ओ एस, यहां पर ए एल, सोशल, ब्यूटीफुल, फुल आ रहा है, वाइट टेबल, राइट टेबल, यहां पर देखिए एटसेट्रा। वर्ड्स विच आर एंडिंग विथ ईडी और वर्ब थ्री, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव्स के रूप है, या ईडी, ईडी वी टू में भी ईडी आता है और वी थ्री में भी आता है, तो वी थ्री का यहां पर मतलब है और उसका रूप है पास्ट पार्टिसिपल का, ये एडजेक्टिव होगा, वी टू एडजेक्टिव नहीं होगा, वी थ्री एडजेक्टिव होगा। सेटिस्फाइड, अबेंडेंट, रिटन, बीटन एटसेट्रा। वर्ड्स एंडिंग विथ आई एस एच, लेस आर एडजेक्टिव्स, करेक्टरलेस, कोइस, डॉगिस, ब्लैकिस, एलोइस एटसेट्रा। ये सारे ट्रिक्स हैं जिसको आपको याद रखना है एडजेक्टिव को पहचान करने के लिए। आगे देखते हैं टेक्निक ऑफ यूजिंग द एडजेक्टिव्स, वो कौन सा टेक्निक है जिसका प्रयोग हम एडजेक्टिव्स के रूप में करते हैं। तो एडजेक्टिव्स आर यूज इन टू वेज, एडजेक्टिव प्रयोग हम दो तरीका से करते हैं, एक्टिविटी यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। एक्टिविटी यूज क्या है, व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन एंड क्वालिफाइज इट, मतलब नाउन के पहले आकर कोई एडजेक्टिव उसकी व्याख्या करता है, उसके बारे में बतलाता है, उसको क्वालिफाई करता है, इट इज एन एक्टिविटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, उसको हम एक्टिविटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। सच एज देखिए, अ लवली सीन, ये सीन के पहले लवली शब्द लगा हुआ है, ठीक है। अ हैंडसम बॉय, यहां पर भी अ हैंडसम बॉय इज प्रेजेंट इन दिस हॉल, प्रेडिकेटिव यूज किया है। व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर द नाउन, यहां पर कम्स बिफोर, नाउन के पहले लगेगा तो एक्टिविटिव होगा और नाउन के बाद लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव हो जाएगा। इट इज अ प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, जैसे दिस सीन इज लवली, अब यहां पर क्या है, नाउन पहले है और बाद में लवली का प्रयोग किया गया है। राम इज हैंडसम, राम पहले आया है, ये वर्ब को मत देखिए, यानी ये हैंडसम किसके लिए आया था, राम के लिए ही ना, तो हमको क्या याद रखना है, अगर हम देखते हैं इसको, अगर ये नाउन है, नाउन के बाद आ रहा है एडजेक्टिव, नाउन के बाद, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेटिव। हम जान के इसको लास्ट में रखें ताकि याद रहेगा, और अगर एडजेक्टिव शुरू में लग रहा है और इसके बाद नाउन है, ये एक्टिविटी हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव। इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल था समझने के व्यू से, ठीक है। यहां पर देखते हैं, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड टेल दे आर एक्टिविटी और प्रेडिकेटिव। राम हैड ब्लू आईज, देखिए ब्लू आईज मतलब इसके बारे में बतला रहा है, यहां पर एडजेक्टिव पहले है और ये है, तो इसको आपको बताना है कि क्या है। हम लोग टेस्ट में भी इसको देखेंगे, इससे टेस्ट हम देंगे ही, ध्यान रखिएगा एक्टिविटिव है या प्रेडिकेटिव है, इसको ध्यान से रखना। तो हम कैसे जानेंगे, तो यहां पर ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, नाउन के पहले ये क्या हो गया, एक्टिविटिव।
अब देखिए एन अबेंडेंड हाउस, ये नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव लगा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो अभी हम बोर्ड पर यूज किए उसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पहचानना है, हमको उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव का ये इंट्रोडक्टरी क्लास आपको अच्छा लगा होगा, इसको बढ़िया से पढ़िए क्योंकि आपका आगे का क्लास है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। यहां से बार बार इसको रिवीजन कीजिए, समझिए, दोहराइए और रिपीट करके पढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास को देखा, समझा, परखा, और कहीं भी अगर आपको एरर आती है समझने में या कुछ किसी चीज में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे ताकि हम आपके सलाह को लेंगे। बड़े अरसे के साथ या लंबे समय के बाद हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, घर बैठे हमें पढ़ना है और घर बैठे हर कार्य को करना है लॉकडाउन में। तो हम एक बार सबका आभार प्रकट करते हैं, ETC वर्ल्ड में आपने अपना प्रवेश लिया, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ग्रामर, ट्रांसलेशन, बुक्स, कंप्यूटर, ये सारे चीज़ का हम आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो देते रहेंगे। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।